हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक न्यू ट्रेंड वीडियो के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा टिकटॉक पे लगातार वीडियो अपलोड होया जा रहा है बाइक वाले। दोस्तों क्या होता है, अचानक से हम चाबी गिराते हैं तो बट अचानक से वो कार बाइक बन जाता है। तो ये वीडियो जो किस प्रकार आपको शूट करना है और इस वीडियो को किस प्रकार आपको एडिट करना है वो मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों इसको वीडियो को जो आपको शूट करना है, यहाँ पर दो पार्ट में वीडियो शूट होगा। इसके बाद इस वीडियो को काइन मास्टर एप्लीकेशन के द्वारा एडिट करना होगा। काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आपको मोबाइल को होम स्क्रीन पे, अब वहां पे मैं बताता हूं किस प्रकार को एडिट करना है और यहां पे किस प्रकार का साउंड कैसे ऐड करना है। आपको यहां पे करना क्या है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो मैंने शूट किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो है यहाँ पे जो शूट किया गया है, दो पार्ट में वीडियो को शूट किया गया है। फर्स्ट वाले वीडियो आपको इस तरह से शूट करना, सिर्फ आपको खड़ा रहना है, आपको हाथ से की को गिराना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो का क्या करना है, आपको गाड़ी के पास खड़ा हो जाना है, अचानक से आपको यहाँ से डरने का एक्टिंग करना है। इस तरह से दोनों दो वीडियो को अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट कर लेना है। यदि आपको लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको सिंपल सी इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि आपको राइट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है तो ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको दोनों वीडियो को पूरी तरह से तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर इफेक्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को फुल साइज कर लेना है। और यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 1 से 2 सेकेंड के लिए यहाँ पर फिल्टर का हमें उपयोग करना है। तो सिंपल सी इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा वीडियो जो है किस तरह से तैयार हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही फिल्टर यहाँ पे आ रहा है, फिल्टर आने के बाद हम डरने की एक्टिंग कर रहा है। तो इस तरह से वीडियो को आपको शूट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद एक वीडियो है जो यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस टिकटॉक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो पर क्लिक करना है, इस वाले कैंची पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस यहाँ से आपको आईडियो को बाहर निकाल देना है। इस बार आईडियो को लास्ट तक लेकर जाना है। लास्ट वाले वीडियो को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडियो जो छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हमें स्पीड जो है थोड़ा कम बेस करके एडजस्ट कर लेना है। तो इसके बाद हमें इस वीडियो को फिर से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से बाइक वाले वीडियो को शूट करके काइन मास्टर एप्लीकेशन के द्वारा एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। टिकटॉक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।